Hello and welcome everyone, myself Sanket. So in this video I will tell you one simple trick which you can apply to solve any numerical relating to reconciliation of cost and financial accounts. Costing and financial accounts ka reconciliation, which is a topic in costing for CA, IPCC, CMA, Inter, सबके लिए जो भी है. सो रिकन्सिलेशन का एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे कोई भी न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा बिना दिमाग लगाए. सो मेरे पास एक इलस्ट्रेशन है, आप देख सकते हो, मैं एक बार जूम कर दूंगा आपके लिए. सो द इलस्ट्रेशन, नेट प्रॉफिट दिया है 64,500 एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. सो लेट जूम आउट एंड आई विल सॉल्व. सो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इज 64,500. जस्ट वॉच दिस वीडियो फॉर 5 मिनट्स. विद इन 5 मिनट्स आई विल सम अप एवरीथिंग. बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं ज्यादा. और अपने को पूछना रहता है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स या कॉस्ट अकाउंटिंग, जो भी बोलो. ओके सो क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 64,500 वी हैव रिटन. नाउ सम थिंग्स विल बी एडेड, सम थिंग्स विल बी सब्स्ट्रैक्टेड. नाउ लेट स्टार्ट द एडजस्टमेंट. आपको एक एडजस्टमेंट बताऊंगा और दूसरी आप खुद ही बता दोगे. जस्ट कीप इन माइंड, हियर इट इज गिवन फर्स्ट एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स 20,000. मीन्स इनकम टैक्स इज प्रोवाइडेड. इनकम टैक्स प्रोवाइडेड मीन्स खर्चा हो गया है, बता दिया है इनकम टैक्स. सो माइनस. बट डिड इट टॉक एनीथिंग अबाउट कॉस्टिंग, की कॉस्टिंग में क्या हुआ है? नहीं, मतलब कॉस्टिंग में अपन ने कम नहीं किया. सो इट इज प्लस. सो वी विल एड इनकम टैक्स 20,000. इट इज एज सिंपल एज दैट. नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट. क्रेडिट हो गया है फाइनेंशियल बुक्स में, मींस वी हैव इंक्रीज्ड द प्रॉफिट इन फाइनेंशियल बुक्स बाय क्रेडिटिंग दैट. एंड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स वी हैव नथिंग, मतलब अपन ने कुछ नहीं किया, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ा नहीं है. सो इट्स माइनस ओनली. सो इंटरेस्ट इट विल बी डिडक्टेड. एंड आई विल लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट यहाँ पे जो साइन आ रही है वो डायरेक्टली ठोक देना है वो एडजस्टमेंट. अगर प्लस आया तो प्लस में लिख दो, माइनस आया तो माइनस में लिख दो. क्या बात कर रहे हो? लेट्स सी फर्दर. वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड. अंडर रिकवर्ड मींस कम खर्चा. कम खर्चा, कम यानी प्रॉफिट ज्यादा, कम खर्चा यानी प्रॉफिट ज्यादा. ऊपर का देखो मत, यहां प्लस साइन आ गई. आप लिख दो वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, इट्स 1,550. ये ट्रिक अगर आप यूज करोगे ये साइन का, कभी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा और 100% आंसर आएगा. लेट्स मूव फर्दर. डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, वी चार्ज डेप्रिसिएशन जो द प्रॉफिट इज डिडक्टेड, बट हियर वी डिडंट डू एनीथिंग. ये साइन जो है लिख डालो, डेप्रिसिएशन इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स 5,600. नाउ डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट, इन कॉस्टिंग 6,000. मीन्स वी हैव डिडक्टेड डेप्रिसिएशन चार्ज, क्या यानी प्रॉफिट कम हो गया. यहाँ क्या आया? माइनस. राइट हियर डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट 6,000. नाउ एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड. ओवर रिकवर्ड यानी अगर अंडर रिकवर्ड है तो अपन ऐड कर रहे, प्रॉफिट बढ़ा रहे, तो अगर ओवर रिकवर्ड है तो व्हाट वी विल डू, वी विल माइनस. क्यों माइनस? बिकॉज एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, ज्यादा रिकवर कर लिया ने, ज्यादा खर्चा कर दिया, तो प्रॉफिट ऑब्वियसली कम हो गया है. तो एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड यहाँ पे माइनस कर दिया है, तो माइनस के अंदर लिख दीजिए एडमिन ओवरहेड जो भी है 850. ये भी माइनस, ये भी माइनस. नाउ लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट. लॉस हो गया है यानी प्रॉफिट कम, यहाँ की कुछ बात करा है क्या? नहीं. सो इट इज प्लस. सो डायरेक्टली राइट लॉस ड्यू टू. आई होप आपको हैंडराइटिंग तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी, बट कंसेप्ट जरूर समझ आ गया होगा. 2,800. नाउ लास्ट थ्री एडजस्टमेंट फ्रेंड्स, विद इन 5 मिनट्स आई विल सम अप.
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स. इंटरेस्ट यानी अपना इनकम है, सो वी हैव एडेड, बट इनने बोला है कि कॉस्ट में नहीं लिया, यानी कॉस्ट में माइनस, बढ़ाया नहीं ना प्रॉफिट, तो कम ही है प्रॉफिट, सो माइनस. सो 4000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4000, इट्स माइनस. नाउ लास्ट टू एडजस्टमेंट, स्टोर्स एडजस्टमेंट, क्रेडिट कर दिया है. क्रेडिट मतलब ही बढ़ा दिया है, यहाँ कुछ किया है क्या, नहीं, माइनस. ये साइन को ध्यान में रख के सीधा सीधा स्टोर्स एडजस्टमेंट 240 माइनस कर दो. नाउ द लास्ट एडजस्टमेंट, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू. डेप्रिसिएशन के वजह से लॉस हो गया है, यानी ही माइनस कर दिया है, लॉस हो गया है तो. बट यहाँ कुछ किया क्या, नहीं, तो यहाँ क्या साइन है, प्लस, बिकॉज यहाँ कुछ किया ही नहीं है. सो डेप्रिसिएशन लॉस, डेप्रिसिएशन, सॉरी, लॉस डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा बिकॉज इट्स प्लस साइन. ये साइन देख लीजिए आप, लॉस डेप 3350. नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन. नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन. सो 64,500 दिया था क्वेश्चन में. नाउ वी हैव टू ऐड दिस अमाउंट्स. सो प्लस 20,000 प्लस 1550 प्लस 5,600 प्लस 2,800 प्लस 3350 97,800 माइनस 250 माइनस 6,000 माइनस 850 माइनस 4,000 माइनस 240. सो द आंसर कम्स टू, एज पर प्रॉफिट, एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, 86,460. एंड हियर यू कैन चेक आंसर, 86,460. सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट फ्रेंड्स. आपको जहाँ पे जाना है एज पर कॉस्ट है, तो यहाँ क्या किया है उसको ध्यान रखना है और सॉल्व करना है. ये जो साइन आई वो डायरेक्टली वहाँ पे कर दीजिए, ये साइन पे बिल्कुल देखना ही नहीं है. यहाँ जो आ रहा है, यहाँ अगर कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, जो ये साइन आ रहा है, बस वहाँ वो एडजस्टमेंट डाल लीजिए. कोई भी रिकंसिलेशन का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, गलत बिल्कुल नहीं होगा, अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी, जो भी है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, थैंक यू वेरी मच, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें.